नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। देश की आम जनता की मांग, कोलकाता रेप केस के आरोपियों को फांसी दो, और हो भी क्यों ना। आखिर कब तक किसी पिता की बेटी, मां की लाडली, भाई की प्यारी बहन इस हैवानियत का शिकार होती रहेगी। आखिर कब तक भारत देश में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कौन दे। आज सबसे बड़ा सवाल यही है। हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन से 5 बड़े खुलासे हुए। सीबीआई की अब तक की कार्रवाई क्या है, इस मामले में अब तक के ताजा हालात क्या हैं। आज हम आपको कोलकाता मर्डर रेप की पूरी कहानी बताएंगे। पहला खुलासा, एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेंटाइल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। दूसरा खुलासा, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। तीसरा खुलासा, सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। चौथा खुलासा, इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पांचवा खुलासा, चेहरे पर हैवानों के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। अब तक सीबीआई ने क्या कार्रवाई की? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। सीबीआई नेम 2 दिन के भीतर कुल 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में आरोपी ने जो जवाब दिए हैं, उन जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। वहीं अब केस और हड़ताल को लेकर कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि लॉकेट पर ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने का आरोप है। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों डॉक्टरों पर केस को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है। बीजेपी नेता पर पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप के बाद अब टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल 8 से 9 अगस्त की रात थी, पीड़ित डॉक्टर अपने 2 जूनियर के साथ रात के 2 बजे डिनर करने बाहर गई थी। 3 बजे के करीब ट्रेनी डॉक्टर वापस अपने सेमिनार हॉल में आती है। उसके कुछ देर बाद आरोपी संजय घोष लॉबी में जाता हुआ दिखाई देता है। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का 8 से 9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वो बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे जो साफ बता रहे थे कि उसके साथ बर्बरता की गई है। एक तरफ पुलिस और सीबीआई मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो वहीं सियासत भी तूल पकड़े हुए है। कोलकाता रेप केस मामले में पहली बार अखिलेश यादव ने कैमरे के सामने आए और कहा कि बीजेपी किसी भी चीज पर राजनीति करने लगती है। ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, वो मामले पर कार्रवाई करेंगी। देखिए, मैं कोई घटना हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। देश की बेटी के लिए पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। डॉक्टर सड़कों पर हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन सियासत देखिए कि राज्य की मुखिया ममता बनर्जी खुद मार्च कर रही हैं, जबकि बंगाल की कुर्सी उन्हीं के हवाले है। इससे ज्यादा और क्या मजाक होगा। साल बदलते गए, लोगों को उम्मीद थी कि तस्वीरें भी बदलेंगी, लेकिन तस्वीर जस की तस है। निर्भया कांड को 11 साल हो गए, न हालात बदले न तस्वीरें, बस कुछ बदला है तो साल और सरकार। बहरहाल
आज पूरा देश 31 वर्षीय उस बिटिया के लिए सड़कों पर आंदोलित है और इंसाफ की मांग कर रहा है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। दर्द ऐसा है जो जिंदगी पर पीड़िता के परिवार को जीने नहीं देगा। लोग कुछ दिन तक सांत्वना देने आएंगे, उसके बाद सन्नाटा। यही तो होता आया है हमारे इस देश में। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।